नमस्कार, स्वागत है आपका केकर न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ ममता यादव। रुक करेंगे खबर से, खबर झरिया से, जहाँ झारखंड एकेडमी काउंसिल के द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नवजीवन एकेडमी नूनूडू कोचिंग संस्थान के छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। हर साल की तरह बेहतर रिजल्ट देने की परंपरा को जारी रखते हुए कोचिंग संस्थान के सभी विद्यार्थियों ने इंटरमीडिएट करा वाणिज्य विज्ञान और मैट्रिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस संस्थान के इंटर आर्ट्स की छात्रा लक्ष्मी विश्वकर्मा ने 435 अंक प्राप्त कर जिले में 11वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं कॉमर्स की छात्रा निशु चंद्रा ने 415 अंक प्राप्त कर सिंदरी कॉलेज सिंदरी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं संस्थान सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। संकल्प रहा है, यह परिणाम इस संस्थान के शिक्षकों के समर्पित प्रयास और उचित मार्गदर्शन एवं विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे अपने बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन ऐसे ही आगे जारी रखेंगे। संस्थान के सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। खबर झरिया से, जहां झरिया भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई। बता दें कि भारत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में शुरुआत की थी, जब पहली बार लाल रंग झंडा मजदूर दिवस के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। तब से लाल झंडा के बिहार कोलियरी कामगार यूनियन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर दिवस को पूरे मई मनाते हैं। इस मौके पर झरिया के नूनूडी लाल मैदान में एक विशाल रैली निकाला गया। बता दें कि इस रैली में काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष बच्चे हाथों में लाल झंडे लिए शामिल थे। मई दिवस मजदूर दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं, और ये जब शुरुआत हुआ अमेरिका के शिकागो से, उस समय की जो परिस्थिति थी कुछ ऐसे परिस्थिति, फिर श्रम कानूनों में सुधार करके सरकार लाना चाह रही है। मजदूरों के श्रम को इन पुणे दाम पर कोई बाजी की और मजदूरी नहीं, सारा निजीकरण की ओर ले जाके कम से कम कराना चाहती है। ऐसे परिस्थिति में मजदूरों को और फिर से गोलबंद करके एक नई लड़ाई में हम जाने का ही कर रहे हैं, और परिस्थिति ऐसा बन रही है कि पूरे भारत में मजदूरों को एकजुट, दोनों ही क्षेत्र के मजदूरों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। एके राय या गुरदास चटर्जी को किस तरह से आप लोग याद कर रहे हैं, क्या कुछ कहें? एके राय, गुरदास चटर्जी कोयलांचल में खदानों के मजदूरों को एकजुट करके हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने में उनका, उन लोगों का जो योगदान है, जो चेतना उन लोगों ने संचार किया है, उन लोगों को याद करके ही आज हम लोग संघर्ष को आगे ले जाते हैं। उन लोगों को याद करके ही हम लोग ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करते हैं और संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। खबर बोकारो से, जहां बोकारो परिषदन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मंजूर अंसारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने कहा कि सिवंडी करबला मैदान में हुए भारत जोड़ो सम्मेलन ऐतिहासिक और सफलतापूर्वक रहा। भारत जोड़ो सम्मेलन की खासियत यह रही कि सिख क्रिश्चियन जैन धर्म समुदाय के लोग भी शामिल थे। आपके माध्यम से बोकारो में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो भारत जोड़ो सम्मेलन जो हुआ, इसमें हम आपके माध्यम से अपने प्रदेश के सभी इकाई के सभी संगठन के सदस्यों को, पदाधिकारियों को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को करने में सभी का सहयोग मिला। जिस तरह का भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में सफल रहा, और हमारे लिए और बोकारो वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात रही कि बोकारो में भारत जोड़ो सम्मेलन का शुरुआत हुआ, जो पूरे देश में 100 जगह स्थान पर यह कार्यक्रम किया जाएगा, जिसकी शुरुआत बोकारो से हुई। हम मीडिया बंधु को भी जो सहयोग रहा, हमारे अंदर हमारे सिस्टम में थोड़ी चूक हुई होगी, लेकिन मीडिया का जो सहयोग रहा, जिससे पूरे देश में इस कार्यक्रम को देखा गया, इसके लिए मीडिया बंधु को भी आभार, और हमारे जितने भी संगठन कार्यकर्ता के लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे थे और सभी गांवों का दौरा करके इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कर रहे थे, और हमारे क्रिश्चियन समुदाय के लोग, हमारे सिख समुदाय के लोग, हमारे
बौद्ध समाज के लोग सारे लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करके इस कार्यक्रम को महान और ऐतिहासिक बनाए। इस कार्यक्रम में हम लोग को देखने को एक और चीज़ मिला, जो शायद आप लोग भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि इस कार्यक्रम में जो भी भीड़ थी वो बहुत शांत और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, सुनने के लिए लोग बैठे थे। इस भीड़ में ऐसे भीड़ नहीं था कि कहीं से उसको ढोकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लाया गया होगा। ये आम जनता बोकारो की भीड़ थी। जिस तरह का मौजूदा हालात में नफरत की जो बातें कही जा रही है, कहीं ना कहीं जो हमारा देश का जो एक बेहतरीन रूप रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का आपस में जो मोहब्बत रहा है, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक की छोटी सी अपनी स्वार्थ के चलते लोगों में बांटने का जो प्रयास रहा है, इस भीड़ से ये साबित कर दिया कि हमारे देश के जो लोग हैं वो अमन पसंद हैं और सारे समुदाय के लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, जिसमें हमारे बोकारो जिला के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, संगठन के लोग हैं, अध्यक्ष हैं और सारे लोगों का इस भीड़ में एक ऐतिहासिक बनाने में सबका सहयोग रहा। हम आपके माध्यम से सभी पदाधिकारी, सभी आए हुए लोग, स्थानीय लोग और बायसी कमेटी जो हमारा सामाजिक चलता है, उनका भी एक अहम रोल रहा। हम सबको आपके माध्यम से आभार प्रकट करते हैं। खबर गोबिया से है, जहां जंगली हाथियों का झुंड बीती रात जंगलों से निकलकर एकाएक बारूद कंपनी के रिहायशी इलाके बी टाइप कॉलोनी में घुस गए। कॉलोनी वासियों ने बताया कि जब सभी भीषण गर्मी के कारण क्वार्टर के बाहर बैठे थे, तभी अंधेरे में पहाड़ी की ओर से तीन हाथी क्वार्टर के नजदीक पहुंच गए। एकाएक सामने देखकर सभी लोग क्वार्टर के अंदर भाग गए और दूरभाष पर कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को सूचना दी। रिहायशी इलाके में हाथी घुसने पर विभागीय लापरवाही पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जंगल हाथियों का घर होता है, लेकिन विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से लगातार जंगलों की कटाई हो रही है। क्वार्टर में तीन हाथी, एक बच्चा है, दो बड़े हैं। तो जस्ट क्वार्टर के सामने में ही मतलब हाथी जब देखा गया तो आदमी सब गुहार किया। गुहार करने के बाद हुआ क्या, वो एक खोदा है जस्ट वो एरिया से वो लोग निकले और जैसे हम लोग चिल्लाने लगे तो हम लोग दिखाई नहीं दिया, तो बाद में इधर ऑफिसर क्वार्टर है वो एरिया में वो इन कर गए जंगल तरफ से ही। तो वहाँ पे हम लोग जब जाके देखे तो केला का पौधा थे, वो केला पौधा को वो तोड़ ताड़ के फेंसिंग के बाहर निकल गए, पानी टंकी की तरफ से ही गुजरे वो, और हमारे यहाँ एक बगान, वो बगान को हरते हुए वो निकले और लास्ट में हम लोग अपने बचाव के लिए गुहार किए। उसके बाद आग भी जलाए हम लोग कि सबको जानकारी हो जाए और हमारे आठ पड़ोस में जो बस्ती है कस्बागढ़ शहर टोला हम लोग जानकारी दिए। कितने बजे की घटना है? ये घटना है 9 बजे से 9:30 के बीच का। खबर धनबाद से है, जहां धनबाद थाना क्षेत्र के मनाईटन छठ तालाब पर गैरावाज जमीन में जमीन माफिया अवैध तरीके से कब्जा कर घर बना रहे हैं, जिसको शिकायत लेकर स्थानीय लोग धनबाद जिले के उपायुक्त संदीप सिंह से मिले। इससे पहले स्थानीय लोगों ने धनबाद सीओ और एसडीओ को लिखित पत्र दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए उस जमीन पर धारा 144 जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया, इस पर इसके बावजूद उस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। क्या कुछ मामला है और आज डीसी साहब के मंदिर में आए थे? हमारा एक जमीन है मनीटा छत लग नियस में, जिसका खाता 157 है, प्लॉट जो है 29-10 है और गैरावाज जमीन है जो मेरा डीड 16.5 कट्ठे का है, जिसका रसीद भी है मेरे पास। इसके विषय में मैंने सीओ साहब को आवेदन दिया था, थाना में भी दिया है और एसडीओ को भी मैंने आवेदन दिया है, जिसमें एसडीओ साहब के आवेदन देने के बाद उसने 144 के लिए अनुशंसा सीओ को फॉरवर्ड किया गया। सीओ को फॉरवर्ड करने के बाद उन्होंने कर्मचारी को मैंने जब दिया, कर्मचारी ने उसमें अनुशंसा किया है कि नहीं इसमें 144 लगाया जाए, फिर सीओ को उन्होंने फॉरवर्ड किया, बट सीओ द्वारा वो अनुशंसा को रोक दिया गया और उनके मिली भगत से इस काम को जगदीश साहब द्वारा आज 15-20 लोगों के साथ काम को जड़ से जड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। सीओ के ऑफिस भी गए थे पर सीओ साहब मिल ले रहे हैं ना, बात करने के लिए तैयार है। क्या लग रहा है कि सीओ का जो मिली भगत है? सीओ का इसमें 100% मिली भगत है, क्योंकि जब मैंने 29 तारीख को सीओ ऑफिस में हम दोनों पार्टी गए थे, जगदीश साहब और मैं अरुण साहब, तब उन्होंने कहा था कि अभी काम नहीं होगा, काम को रोक दिया जाए और सरकारी अमीन अलॉट कर दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को जो जिसका जो जमीन निकलेगा वो फिर इसमें काम कीजिएगा। लेकिन एक बैग अभी पता चल रहा है कि बिना किसी आदेश का, बिना किसी सूचना का वो डायरेक्ट जगदीश साहब 20 आदमी लोगों के साथ काम कर रहे हैं। जगदीश साहब कौन है, कहाँ के रहने वाले? जगदीश साहब मनीटांड छठ तलाव के रहने वाले हैं, दबंग नेता हैं और राइफल रखे हुए हैं, जिसमें हम लोग को
तीन दिन पहले रात में काम हो रहा था, जिसको हम लोग मना करने गए तो हवाई फायरिंग करके हमें डराया गया, भगाया गया। अगर हम सामने जाते हैं तो गोली मारने से धमकी देते हैं। पूरे उपायुक्त से भी मिलने आए थे? उपायुक्त से मिलने आए हैं, पर उपायुक्त सर बोले कि अभी नहीं है, किस मीटिंग में, जो भी मीटिंग में बैठे हुए हम लोग इंतजार करने का कार्य करेंगे और उपायुक्त महोदय से मिलकर सारा विचार को बताने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि आगे क्या करेंगे? उपायुक्त महोदय से मिलने के बाद मुझे आशा है कि इसमें गरीबों के साथ न्याय, हमारे साथ सच्चा इंसाफ हो, इसका हम उम्मीद करते हैं। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आगे करने की क्या? अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो मैं धरने पर बैठने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिकेश कुमार हुआ। खबर धनबाद से है, जहां जिला AISA के आह्वान पर छात्र छात्राओं ने छात्र एकजुटता का मार्च निकाला। इस एकजुटता मार्च प्रदर्शन में काफी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल थी। बता दें कि छात्र छात्रा सरकार से शिक्षा नीति में सुधार की मांग कर रहे हैं। छात्राओं ने बताया कि हम लोगों को समाचारों के माध्यम से यह देखने को मिल रहा है कि जिला के कई स्कूल कॉलेजों में शिक्षक शिक्षिकाओं की भारी कमी है, तो कहीं स्कूल कॉलेज जर्जर अवस्था में। जब हमारे शिक्षा का मंदिर ठीक ना हो और मंदिर पुजारी ना हो तो उज्ज्वल भविष्य की कामना किस प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा नीति में बदलाव लाया जाए ताकि सभी का भविष्य उज्ज्वल हो सके। आज हम लोग आयशा का पहला जिला सम्मेलन कर रहे हैं। इसमें धनबाद से चार पांच प्रखंड से छात्र इसमें उपस्थित हुए हैं और हमारी मांग है कि जब भी लगातार आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा से छात्रों को एकदम वंचित किया जा रहा है। आप प्राइमरी स्कूल की बात करें या हायर एजुकेशन की बात करें, दोनों जगह पर प्राइमरी स्कूलों में हमारे पास डेटा है, प्रभात खबर में डेटा छपा था कि 95% स्कूलों में अभी भी एक भी प्राचार्य नहीं है, मतलब प्रधानाध्यापक नहीं है। सभी स्कूलों में 6200 स्कूलों में एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। तो आप समझिए प्राथमिक शिक्षा का क्या हालत है। जो लोग सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं, उन छात्रों का भविष्य के साथ क्या हो रहा है आप ये समझ सकते हैं वो स्थिति देख करके। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में पहले से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, पूरा ढहा हुआ है, पुराना कॉलेज का बिल्डिंग पुराना है। कॉलेजों में जो भी डिपार्टमेंट है उसमें शिक्षक नहीं है। उस बीच में नया शिक्षा नीति आता है, उसमें तरह तरह के नियम बनते हैं और नियम से बाकी छात्रों कितना भुगतना पड़ रहा है वो आप देख रहे हैं। जैसे कि दो तीन चीज़, एक CUET इंट्रोड्यूस किया गया और दूसरा जो भी कॉलेजों से अंगीभूत एफिलिएटेड जहां 12th की पढ़ाई होती थी उसको वहां से निकाल करके हाई स्कूलों में दिया जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले कि CUET खारिज हो, क्योंकि CUET एक सिंपल ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने के लिए एक एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि एक छात्र को धनबाद किसी भी कॉलेज में एडमिशन कराना है तो उस धनबाद के छात्र को रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग में जाकर के एग्ज़ाम देना पड़े और उसके बाद वो उसकी ग्रेजुएशन में सिंपल एडमिशन होगा। हम मानते हैं कि इसको शिक्षा से बेदखल करने की साजिश सरकार की, ये छात्र एडमिशन नहीं लेंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे तो पढ़ेंगे नहीं, तो सस्ता मजदूर बनेंगे और जो आज से पूंजीपतियों को सस्ता मजदूर चाहिए। दूसरी बात है कि हम मांग कर रहे हैं कि जब आप कॉलेज से जो 12th और 11th की पढ़ाई होती थी वहाँ से आप उसको हटा करके 10th और 12th जो हाई स्कूल है वहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ बिना इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किए, डेवलपमेंट किए, आप वहाँ से उठा करके वहाँ क्यों ले जा रहे हैं? वहाँ शिक्षक है कि नहीं है कोई मतलब नहीं। यहाँ आप सिंदरी में चले जाए, सिंदरी का एक कॉलेज है, हम जब वहाँ कैंपेन कर रहे थे हमें बताया गया उस सिंदरी कॉलेज में जो +2 की पढ़ाई होती थी कॉलेज में वहाँ उसको इस बार से एडमिशन करने की उसकी अनुमति नहीं है, वो इस बार एडमिशन नहीं लेंगे और वो +2 जो भी हाई स्कूल +2 होता है वहाँ एडमिशन होगा। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये भी जो नया शिक्षा नीति के आड़ में जो भी छात्रों को शिक्षा से बेदखल करने की लोगों की साजिश चल रही है, इस साजिश को जल्द से जल्द हम नाकाम करेंगे। हम इसलिए छात्रों को एकजुट कर रहे हैं और इसी मुद्दे पे छात्र एकजुट हो भी रहे हैं और हम सरकार को इसका जवाब देंगे जरूर। नाम बताइए। मेरा नाम तरुण कुमार हुआ, मैं आयशा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।